खुशखबर खुशखबर खुशखबर, जय दादा दी शॉपिंग मॉल बेला की तरफ से 999 के कपड़े खरीदने पर एक कूपन फ्री। 1/3/2024 से लेकर 31/5/2024 तक ये ऑफर, आइए खरीदिए और इनाम में इलेक्ट्रिक स्कूटी और ड्रेसिंग टेबल पाइए। हमारे पास शादी ब्याह के सभी प्रकार के अच्छे और ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग साड़ियाँ ड्रेस मटेरियल मेंस वियर किड्स वियर लेडीज वियर उपलब्ध है, वो भी कम दामों में। 999 की खरीदी पर एक कूपन फ्री और घर ले जाइए स्कूटी ड्रेसिंग टेबल। हमारा पता है मेन रोड बेला। नमस्कार, मैं माउली हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं शेख इस्माइल। आदिलाबाद जिला केंद्र के प्रधान डाकघर में किसानों के साथ हुई धोखाधड़ी, इसका पता लगते ही अधिकारियों पर नाराज हुए पायल शंकर। जब किसान अपना कपास बेचते हैं तो उनका बकाया पैसा डाकघर में आता है, क्योंकि 20,000 से अधिक निकालने की कोई सुविधा नहीं है। इसलिए किसानों ने डाकघर के प्रबंधक विजय जाधव से उनके बैंक खाते में पैसा स्थानांतरित करने का आरोप लगाया। मामले की जानकारी होने पर विधायक पायल शंकर मौके पर पहुंचे और पूछताछ की तो पता चला कि वास्तव में धोखाधड़ी हुई है। उन्होंने कहा है कि जिले के SP कलेक्टर और डाक विभाग के संबंधित अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई करने के लिए सूचित कर दिया गया। संबंधित अधिकारी इसके अलावा CCI अधिकारियों को भी इस मामले की जानकारी दी गई और किसानों का समर्थन करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा है कि किसानों को निराश नहीं होना चाहिए, उनका पैसा उन्हें वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने उन किसानों से कहा है कि जिन्होंने कपास बिक्री का पैसा डाकघर में जमा कर दिया है, वे कल सुबह 10 बजे डाकघर पहुंचे और अपने खातों की जांच करें, और कहा है कि प्रबंधक विनोद जाधव के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए डाक विभाग के अधिकारी कल सुबह आदिलाबाद आ रहे हैं। उन्होंने पुलिस से एहतियात के तौर पर मैनेजर विजय जाधव को गिरफ्तार करने को कहा।